आलुओं से विद्युत पैदा करना। प्राथमिक वोल्टाइक सेल यानी प्राइमरी वोल्टाइक सेल में तांबे और जिंक की एक एक प्लेट को हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डुबोकर विद्युत बनाई जाती है। हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में इलेक्ट्रॉन जिंक की प्लेट से तांबे की प्लेट तक पहुंचते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत पैदा होती है। वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल का हल्का घोल इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए माध्यम का कार्य करता है। इसी प्रकार विद्युत पैदा करने में आलू भी तांबे और जिंक की पट्टियों के बीच में हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के रूप में कार्य करता है। आवश्यक सामग्री: मध्यम आकार के 8 आलू, तांबे की 8 पट्टियां, जिंक की 8 पट्टियां, तांबे का तार, 5 वोल्ट का एक बल्ब होल्डर सहित मध्यम आकार के 8 आलू लें। प्रत्येक आलू में जिंक की एक एक प्लेट प्रवेश कराएं। इसी प्रकार कुछ दूरी पर तांबे की प्लेटों को प्रवेश करवा दें। इन आलुओं को मेज पर 2 लाइनों में रखें। प्रत्येक लाइन में 4 आलू होने चाहिए। तांबे के तार से एक आलू की जिंक प्लेट को दूसरे आलू की तांबे की प्लेट से जोड़ें। सभी जिंक प्लेटों को तांबे की प्लेटों से जोड़ दें। अब जिंक प्लेट से जुड़े एक तार और तांबे की प्लेट से जुड़े दूसरे तार को लेकर दोनों को 4.5 वोल्ट के बल्ब के साथ जोड़ दें। आप देखेंगे कि बल्ब तुरंत चलने लगेगा। ये समस्त प्रक्रम एक बैटरी की भांति काम करता है। ये बल्ब सीमित समय के लिए ही जलेगा।